الحمد لله الذي بعث فينا رسوله محمدا رسول العرب والعجم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في السماوات ولا في الأرض ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومربينا ومحمودنا ومحبوبنا وعزيزنا وعظيمنا وكريمنا وشفيعنا يوم الأرض الله محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الغفار وعلى آلك الأطهار وصحبك الأبرار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولانا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما شاء الله पिछले दो सालों से एक इनकलाबी कोशिश यहां के वो नौजवान वो सरबराह वो सरपरस्त यकीनन आपकी मेहनतों को सराहना की जरूरत है। यकीनन आप काबिले मुबारकबाद हैं। आपका ये जलसा आसपास के स्पॉट से और भी जलसे होंगे। इस इलाके में और इस इलाके के आसपास और भी बहुत से उलमा आए, लेकिन आज आज के माहौल के देखने के बाद सबके कान खड़े हो गए होंगे। उनकी भी कोशिश होगी कि हमारे यहाँ भी ऐसा मोहल्ला ऐसे प्रोग्राम हो। एक फिक्र दिया माशाल्लाह मगरिब से इशा तक आपने जो एक प्लानिंग दी एक सेटअप तैयार किया। जरूरत है इस चीज को बढ़ाने की, यही तो हमारी कमाई है। ये हम अपने बच्चों को तैयार नहीं करेंगे तो आने वाला मुस्तकबिल हमारा अंधेरा होगा। गरीब नवाज की याद में जलसा कर लेना, जुलूस निकाल लेना, सिर्फ इतना ही नहीं होना। असल में गौसे आजम गरीब नवाज का मानने वाला वो है जो गरीब नवाज की बातों पे अमल करता, जो उनकी बातों को सुनकर अपनी जिंदगी में इंकलाब पैदा करता। इसीलिए आप देखो ना, हम मुसलमानों के त्योहारों की शक्लें अलग होती। हम जब किसी अपने रहनुमा किसी कायद की याद मनाते हैं तो हमारी नजर उनकी सूरत पर नहीं, उनकी सीरत पर होती।
में किसी भी समाज के फेस्टिवल को आप देख लें, किसी भी धर्म के त्योहारों को आप देख लें, वहां आपको एक सूरत नजर आएगी, एक मूरत नजर आएगी। मैं ये कौन सा जश्न है कि जहां सूरत नहीं और पूरी पूरी रात बैठकर ये दीवाने सुन रहे हैं। हमें सूरत और मूरत से कुछ नहीं होता, किरदार तो वो हो कि तेरी सूरत रहे या ना रहे, तेरी हुकूमत रहनी चाहिए। मैं गरीब नवाज, कौन सी सूरत आप देख रहे हैं? लेकिन आज 800 साल हो गए गरीब नवाज का दरबार, पूरी दुनिया के लोग दर्शन के लिए इतनी बड़ी संख्या में किसी दरबार में जमा नहीं होते जितना दर्शन के लिए अजमेर जमा। किस चीज को दर्शाता, वहां कौन सी सूरत आप देखते? ये हम मुसलमानों का तरीका है, ये सिस्टम है कि हमें अपने बुजुर्गों की याद को बाकी रखने के लिए हमें किसी मूर्तियों की स्थापना नहीं करनी पड़ती। हमें उनकी याद को बाकी रखने के लिए हमें उनका स्टेच्यू नहीं लगाना पड़ता, उन्हें उन्हें उनका फोटोज नहीं लगाना पड़ता। में वो खुद ऐसा काम करके गए हैं कि कयामत तक बहुत से ऐसे मुसलमान पैदा होते रहेंगे जिन्होंने गरीब नवाज को न कभी ख्वाब में देखा है न हकीकत में देखा है, मगर उनके दिलों की धड़कने गरीब नवाज करती नजर आए। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत ख्वाजा गरीब नवाज। ये है हमारा इस्लाम, हमारी नजर सूरत पे नहीं सीरत पे। हमारे औलिया इकराम बुजुर्गाने दीन का सिस्टम, उनका तरीका, उनके जीने का सलीका इतना अच्छा कि लोग उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इस्लाम भी कबूल कर लेते हैं। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बेदारी आपको देखने को मिली, किसी वजह से नहीं आना जाना रहा, लेकिन इंशाअल्लाह बेदारी हमारी भी, वालिद-ए-गिरामी की बातों को सुनकर बड़ा दिलचस्पी लगा आपकी बातों को सुनने का। इंशाअल्लाह आने का मौका मिलता रहे, हम इस पे आगे गुफ्तगू करेंगे। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, रब कदीर कुरान करीम में आपकी तारीफ फरमा रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। You are best उम्मत, सबसे बेहतरीन उम्मत, सबसे अफजलीन उम्मत। और भी अंबियाए कराम आए, उनके पास भी उम्मत, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबी आए सबके पास उम्मत, मगर उन सारे उम्मतों के बीच रब फरमा रहा है, मुस्तफा की उम्मत तुम बेहतरीन उम्मत। क्यों? तअमुरूना बिल मारूफ, ताकि क्योंकि तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर पक्का ईमान रखते हो। अब आइए इसका बैकग्राउंड देखिए, बड़ी तेजी से बात कह रहा हूँ कि हजरत की बड़ी अच्छी खिताब आपको समाज करनी है। इसका बैकग्राउंड देखिए कि ये कब और क्यों नाजिल हुआ। मालिक इब्ने सईद और वहाब इब्ने यहूद, ये यहूदी उलमा, इस तरह के कुछ और लोग अंसार सहाबा के पास, और ये अंसार सहाबा भी कभी यहूदी रहे, फिर बाद में उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, जैसे हजरत माज इब्ने जबल, हजरत उबै इब्ने काब, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, ये जलीलुल कद्र सहाबा। ये अंसार सहाबा के पास आए और कहने लगे, अरे तुम लोगों को मुसलमानों में ऐसी कौन सी चीज नजर आई जो यहूदियत को छोड़कर कौम मुस्लिम में चले गए? ऐसी कौन सी अच्छाई सच्चाई तुम्हें नजर आई जो यहूदियत को छोड़कर हमारे साथ उठना बैठना समाप्त करके उनके साथ संबंध बना लिया? अब अंसार साहब ने कहा कि अरे मुसलमान कौम सबसे बेहतरीन कौम, इनकी किताब सबसे बेहतरीन किताब, इनके नबी अफजलुल अंबिया। हमें जब सहाबाए कराम को फर्स्ट क्लास की चीज मिल गई, टॉप क्लास की, तो ये इधर उधर जाएंगे?
हमारे साथ ट्रेन में एक साहब सफर कर रहे थे। बड़ी देर गुफ्तगु के बाद उन्होंने एक बात छेड़ दी। उन्होंने कहा कि आपके जो दीनी प्रोग्राम जो सभाएं हैं उसमें जब आप जाए तो उपदेश दे तो अपने सुनने वालों से कहें कि आप हर धर्म की किताबों को पढ़ो, हर मजहब की किताबों को पढ़ो, ताकि पता चले ना कि इसमें क्या है, इसमें क्या है और इसमें क्या है, और जो अच्छा लगे वो ले लो। मैं कैसे कह दूं, हालांकि मैं सोने आराम करने के मूड में था, लेकिन साहब ने ऐसी बात ही छेड़ दी। वो पढ़े लिखे थे, फौज में कमांडर थे। मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे पूछिए मत, आप खुद वजह तलाश कीजिए कि आखिर बात क्या है कि हर धर्म वाला हर मजहब की बात करता है, किताबों को पढ़ता है, समझता है, लेकिन बात क्या है इस्लाम का मानने वाला कहीं देखता भी नहीं। फिर मैंने उन्हें एक मिसाल दी और कहा कि सुनिए, आपको प्यास लगी है, पानी की तलाश में आप निकलेंगे, पानी मिल नहीं रहा, बड़ी दूर चलने के बाद एक कुएं पे नजर पड़ी, डोल डाला, निकाला, पानी पिया, एकदम खारा, थोड़ा सा जरूर पिएंगे आप, लेकिन वो पानी आपको पसंद नहीं, वो पानी आपकी प्यास को नहीं बुझा सका। दूसरे कुएं के पास गए, वहां भी डोल डाला, निकाला, वो भी खारा, कुछ कम कुछ ज्यादा। तीसरे के पास गए, वो भी खारा, चौथे के पास गए, वो भी खारा, फिर कहीं जाके आपको मीठा पानी मिला तो आप गट 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 पीना शीना शीना। क्यों? क्योंकि जिस पानी से आपकी प्यास बुझ गई उस कुएं तक आप पहुंच चुके। अपनी प्यास बुझाने वाले जरा ये तो बता कि अगर यही कुआं तुझे सबसे पहले मिल जाता तो बाकी कुओं की तरफ नजर डालते। ये इंसान की आत्माएं प्यासी है, ये जो दूसरे ये प्यासी आत्मा जब मोहम्मद अरबी की चौखट से सैराब हो जाती है, किसी कुएं की तरफ नजर नहीं डालती। इसीलिए जो दूसरे मजहबों की बात करते हैं इनकी आत्माएं प्यासी है, जब तक कि ये मोहम्मद अरबी के पास आएंगे नहीं इसी तरह ये भटकते रहे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सारे लोग जवाब दो, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। कुंतुम खैरा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ऐसी कौन सी अच्छाई है जो इस्लाम में नहीं है, हमें कोई बताए ना, हम अपने इस्लाम को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी। अब जब उन लोगों ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतरीन बेहतर नबी है, इनका दीन ही सबसे अफजल दीन है, इनकी किताब सबसे बेहतरीन किताब, उन लोगों ने कहा कि अच्छा, यहूदियत सबसे बेहतरीन दीन, ये जिस दीन को तुम छोड़कर गए हो, जिस दीन को छोड़कर तुम जिस तरफ गए हो, तुम जिस कुरान पर ईमान रखते हो, उसी कुरान में लिखा है अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, कि मैंने तुम सबको सारे आलम पर फजीलत अता फरमाई। ये कुरान में लिखा, जिस कुरान को तुम मान रहे हो उसी कुरान में लिखा, रब कबीर फरमा रहा है कि मैंने तुम सबको सारे आलम पर फजीलत अता फरमाई। ये यहूदियत के बारे में, ये कौम बनी इसराइल के बारे में, तुम उधर क्यों गए? अब जब उन लोगों ने कुरान ही से दलील देना शुरू कर दिया तो ये चीज रब कदीर को पसंद नहीं आई, और आयते अपने अंसार सहाबा के समर्थन में आयते करीमा नाजिल फरमाई कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम मेरी ही बात को दलील बना रहे हो, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मतलब ये है कि अब तक इस धरती पर जितनी कौमें हिदायत के लिए आती थी वो दूसरी कौमों से अफजल हुआ करती थी, मगर मेरे महबूब की उम्मत उन सारे अफजलीन से भी अफजल है। कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत, अपने को पहचानने की कोशिश करो। तअमुरून बिल मारूफ वतनहौना अनिल मुनकर, तुम भलाई का हुक्म देने वाले, तुम बुराई से रोकते हो, तुम्हें अच्छे काम करने, तुम्हें अपना किरदार बदलना होगा मुसलमानों, तुम्हें अपने अच्छे अखलाक
अपने अखलाक को सवारना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इन्हीं अच्छे कामों में से हुजूर फरमा रहे, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि तुम में से जो खुदा और कयामत पर ईमान रखता, मुसलमानों तुम सब ईमान रखते हो, तुम्हें अच्छे काम करने, तुम्हें अपने को सवारना हो। रसूल फरमाते जो खुदा और कयामत पर ईमान रखता फल युहसिन इला जारी, वो अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करे। एक घर है, तुम्हारे घर के सामने दूसरे का घर, ये तुम्हारा पड़ोसी है। हमें किसी अच्छी चीज के लिए अगर झगड़ा हो तो बात समझ में आती है कि भाई कोई अनमोल वस्तु थी, दो पड़ोसी उसके लिए लड़ रहे हैं। और आमतौर से क्या देखा जाता है कि दो पड़ोसी आपस में नाली के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ा वो भी घटिया चीज के लिए, गंदी चीज के लिए। में ऐसा कौन सा झगड़ा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। पड़ोसी ने तकलीफ दी थी, तुम सब्र कर लेते, उसके किए हुए की सजा उसे मिल जाएगी। हो सकता है तुम्हारे क्षमा कर देने से उसका दिल बदल जाए। वो जो दुश्मन था वो तुम्हारी सेवा के लिए, अपना अखलाक तो पेश करो, अपने अखलाक को सवारो तो सही। देखो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इन फलानत तसुम النهار وتقوم الليل, या रसूल अल्लाह, एक औरत जो साल भर दिन में रोजा रखती है, और सिर्फ रोजा ही नहीं पूरी पूरी रात इबादत, ऐसी औरत जो साल भर दिन में रोजा रख पूरी पूरी रात इबादत करे। फिर आगे कहते हैं, वही सैयतुल खुलुक, मगर या रसूल अल्लाह उसके अखलाक अच्छे नहीं, उसके अखलाक बुरे हैं। क्या बुरे हैं? आगे कहते हैं, तू जिराना बिलिसानी, या रसूल अल्लाह वो अपनी जबान से अपने पड़ोसी को तकलीफ देती, अपने नेवर्स को तकलीफ देती, हाथ से भी नहीं जबान से। एक मुसलमान जो साल भर दिन में रोजा रखे, 365 नाइट वर्शिप में गुजारे, सिर्फ एक कमी उसके अंदर है कि उसकी जबान अच्छी नहीं, और उस जबान से अपने पड़ोसी को तकलीफ देती है। अब उसके बारे में रसूल फरमा रहे, अब उसकी नमाजें नहीं देखी जा रही, उसके रोजे नहीं देखे जा रहे, इबादत नहीं देखी जा रही, क्या देख रहा है इस्लाम? अब रसूल फरमाते हैं, ला खैर फीहा हिया अहल मिन النار, उस औरत में कोई भलाई नहीं, वो जहन्नम है। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम का मैसेज। आओ तो सही, इस्लाम को पढ़ो तो सही। क्या इस्लाम ने मैसेज दिया? क्या इस्लाम ने पैगाम दिया? आज बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे ना इस्लाम, बहुत दूर से स्टडी करते, करीब तो आओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो पढ़ो। क्या तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सीखने को? नबी सल्लल्लाहु, इसीलिए मैं कहता हूँ, सारे उलमा कहते हैं, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी कहती है कि अगर रसूल के इस बात पे अमल हो जावे कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को तकलीफ ना दे, तो बहुत बड़ी मसला हल हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। सिर्फ सिर्फ वही तुम्हारा पड़ोसी नहीं है जो जिसका घर तुम्हारे घर के दीवार से लगा हुआ, हमें एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले का पड़ोसी। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फरमान पे अमल कर लो कि पड़ोसी पड़ोसी को तकलीफ ना दे, कभी पथराव नहीं होगा, ये दोनों मोहल्ले वाले आपस में अमनो अमान में रहे। क्यों? खुदा चाहे। और आगे बढ़ो तो एक टाउन दूसरे टाउन का पड़ोसी, एक मुल्क दूसरे मुल्क का पड़ोसी, एक ओशियन दूसरे ओशियन का पड़ोसी, बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी बर-ए-सगीर में। या जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मनाने की जरूरत पड़ती है ना, किसी चीज की जरूरत नहीं। ये जो परमाणु शक्तिशाली देश एटॉमिक बम बनाए जा रहे, और हर बनाने वाले से पूछिए कि आपने ये क्यों बनाया, तो ये कहेंगे हमने अपनी सुरक्षा के लिए,
हमने अपने देशवासियों की हिफाजत के लिए, हमने अपने मुल्क को बचाने के लिए बनाया। बच रहा है मुल्क, हिफाजत हुई ही रोशी वहां पे। कौन मरा वहां? टेररिस्ट। वो जो लाखों की तादाद में जो बच्चे मरे थे, क्या कसूर था उनका कि उन्हें जीने नहीं दिया गया? तुम्हारे ये हथियार, तुम्हारे ये पंच कभी पीसफुल माहौल कायम नहीं कर सकते। तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाओ कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को तकलीफ ना दे। मुसलमानों आओ, आगे बढ़ो, अपने बच्चों को तैयार करो, सिखाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सीखने का मौका दो, क्योंकि यही वो सरजमीन है जहां सरकार गरीब नवाज अपने साथियों के साथ, उनके पास न तीर न तलवार न बंदूक। और आज इस्लाम पे बिल्कुल गलत इल्जाम है कि भारत में इस्लाम हथियार के बलबूते पे फैला है। इतिहास को झुठलाना नहीं चाहिए। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका संबंध इतिहास के मैदानों से, जिनका इतिहास पे गहरी और पैरी नजर है, वो खुद स्वयं इस बात का इनकार करते हैं कि भारत में इस्लाम हथियार के बलबूते पे फैला है। हाँ, ये सच है कि मुस्लिम बादशाहों ने भारत पर आक्रमण किया, मगर जब पिछले इतिहास को उठा करके देखोगे तो पता चलेगा कि पहले सिस्टम ही ऐसा था, पहले की युद्ध प्रणाली ही ऐसी थी, हुकूमत करने का अंदाज ही ऐसा था। एक राजा दूसरे राजा पर हमला करता, जीत जाए तो वो मुल्क इसका होगा, हार गया तो इसका मुल्क अपना भी मुल्क होता ही ऐसा। अलग अलग हिस्सों में राजा और बादशाह बटे हुए, वो एक दूसरे पर हमला किया करते थे। किसी भी धर्म जो जीता वही सिकंदर। और इन लोगों ने आकर भारत को नष्ट बर्बाद नहीं किया। अगर भारत से इन्हें इतनी नफरत होती तो कभी वो लाल किला और ताजमहल नहीं बने। वो आए, अन्याय नहीं किया उन्होंने, अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखा। और इस्लाम तलवार से नहीं, किरदार से फैला। पिछले इतिहास को उठा करके देखो कि इस्लाम की शुरुआत भारत में किस किस तरीके से हुई। भारत में इस्लाम आया है केरल के रास्ते, समुद्री तक अरब से ताजिर आते थे। ये ताजिर मुसलमान थे, बिजनेसमैन थे, ईमानदार थे, सच्चे मुसलमान थे। ये केरल वासियों ने देखा कि ये कौन लोग अपने धंधे का काम करते करते, तिजारत करते करते, नमाज का वक्त हो जाए तो ये झुक जाते, अपने काम को छोड़कर अपने खुदा की बारगाह में झुक जाते। ये कौन से लोग हैं जो एक रुपया भी अगर बाकी रह जाए तो इनका हजारों का नुकसान हो जाए, मगर एक रुपया अदा करके जाते। ये चीज केरल वासियों को इतनी पसंद आई, उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ मेरा सामान नहीं खरीदा बल्कि हमें भी खरीद लिया। जो जो दीन आपका है वही हम अपना। अन्याय मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ हो रहा था। आए थे अपने चंद साथियों के साथ, हाथों में न तीर न तलवार न बम न बंदूक, चारों तरफ से घेर लिया गया। मोइनुद्दीन चिश्ती अना सागर पे पहरा लगा दिया गया, सबको सुचेत कर दिया गया, फौज लगा दी गई मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए, रास्तों को रोक दिया गया, पानी बंद कर दिया गया, सारी पाबंदियां लगा दी गई। मोइनुद्दीन चिश्ती हुसैनी किरदार लेकर आए भारत में। रास्ता रोकने वाले रोकते रहे, पाबंदी लगाने वाले लगाते रहे, गरीब नवाज ने आधे भारत को मुसलमान बनाया। सीरत गरीब नवाज अपनाओ। मैं कौन ऐसा नहीं है जो वहां नहीं झुकता? बड़े बड़े सीने वाले वहां झुकते नजर आए। मैं भारत को, राजा को तब तक नींद नहीं आती जब तक वहां चादर ना डाला। ये है गरीब नवाज। जब गरीब नवाज की हुकूमत कायम हो गई, सिंहासन पर बैठ गए, तो रब कदीर ने पूरे भारत में की सल्तनत कायम की। मुसलमानों आज सीरत पढ़ो, अपने हिस्ट्री पढ़ो, सीखो, अपने बच्चों को सुनाओ, उन्हें बुलाओ, पास बैठाओ, ऐसे मजलिसों में भेजो जहां सीखने का मौका बहुत जरूरी है। आज के मुसलमान
आज माँ बाप के नाफरमान हो रहे हैं। पहले की माएं और बच्चों की तरबियत में सबसे ज्यादा अहम रोल उनके माँ का होगा। माँ की तरबियत का रोल सबसे ज्यादा पहले की माएं, पहले की मदर खाना बनाते वक्त भी तालीम देती रहती है, अपने बच्चों को सिखाते रहती है, बर्तन धोते वक्त भी तालीम देती रहती है। बेटा खुदा क्या चाहता है, खुदा क्या नहीं चाहता। और आज हम छुट्टियों का इंतजार कर कि छुट्टी हो तो हम अपने बच्चों के साथ घूमने निकले, पढ़ाने का काम आलिम साहब, पढ़ाने का काम स्कूल का, इंस्टीट्यूट का, एजुकेशन सेंटर का, नहीं सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी अपनी है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार व कूदुहा अन्नास वल हिजारा, बचाओ अपने आप को, अपने बच्चों को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होगा, जिसमें इंसान फेंके जाएंगे इंसान, पत्थर फेंके जाएंगे जहन्नम की आग भड़कती जाएगी। उस आग से बचाओ अपने बच्चों को। तरबियत का रोल देखना है माँ बाप का, बस आखिरी बात, माँ बाप की तरबियत का रोल देखना है। आओ देखो ना हजरते बहलूल दाना मजजुबे लाही, बगदाद में जिनका आस्ताना, एक मरतबा सड़क से कहीं जा रहे, उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे आपस में खेल रहे और एक बच्चा किनारे बैठा हुआ, तो इन्होंने देखा कि उन बच्चों के हाथ में अखरोट है, उसमें लगे हुए हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, और इस बच्चे के पास पहुंचे, तो उस बच्चे के पास पहुंच गए, कहे बेटा तुम्हारे पास अखरोट नहीं है, चल मैं दिलवा दूंगा, जा तू भी इन बच्चों के साथ खेल, तू अकेला क्यों बैठा है। तो वो बच्चे ने कहा क्या मैं खेलने के लिए पैदा किया गया? क्या जवाब है बच्चे का, कैसी तरबियत होगी माँ की, क्या मैं खेलने के लिए पैदा किया गया? अच्छा तो किस लिए पैदा किया गया? अल्लाह की इबादत के लिए। मैंने अपनी माँ से सुना हूँ कि जो लोग खुदा की बंदगी नहीं करते अल्लाह उसे जहन्नम में डालेगा। तो हजरत बहलूल दाना कहने लगे चुप बेटा, अभी ये तेरी उम्र थोड़ी ना है, जा तू खेल, जब तेरी उम्र बड़ा होगा तब ना। तो कहता बहलूल मुझे बहलाओ मत, मुझे फुसलाओ मत, मैंने अपनी माँ से, मैंने अपनी माँ को रोज देखता हूँ, जब वो चूल्हा जलाती है तो पहले छोटी छोटी लकड़ियाँ डालती है, फिर बड़ी लकड़ियाँ डालती है, मुझे डर है कि कल कयामत के दिन रब्बे कदीर जहन्नम की आग को भड़काने के लिए हम बच्चों को ना डाल। हजरत बहलूल दाना पे वजद जारी हो गया कि एक ऐसी माँ भी है हमारे बीच जो अपने बच्चों को ये तालीम देती है, जो अपने बच्चों को ये सिखाती है। जरूरत है मुसलमानों अपने बच्चों के दिलों में इश्क रसूल पैदा करो, उनके दिलों को सवारो। आपने अगर अभी से अगर उन पे ध्यान नहीं दिया, आपने छोड़ दिया, जब चाहो जहाँ जाओ, जब चाहो करो, जहाँ चाहो जाओ, सही लाइन मिली नहीं, जब जब बड़े होकर आपकी जरूरत तो किनारे रखकर आपको घूम रहे। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है। क्या कि तुम भलाई का हुक्म देने वाले, तुम बुराई से रोकने वाले और पक्का ईमान रखते हो। अल्लाह ताला हम सबको सच बोलने और हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।